जय हिंद। बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में लगे रहते हैं या मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहते हैं। आपका ये शिकायत है या आपको चिंता है कि या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस मोबाइल से ना चिपके रहें, मोबाइल में गेम ना खेलने के बजाय किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहें, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मोबाइल पर चिपके रहने की दो खास वजह होती है। एक तो ये कि बच्चे अपने घर में बाकी सदस्यों को भी खाली समय में मोबाइल से पर ही व्यस्त रहने में देखते हैं, और कभी उनको घर पे कभी बच्चों के सामने किताब पढ़ते देखा नहीं है। दूसरी वजह यह थी कि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति अति संवेदनशीलता दिखाने के कारण उनको खेल के मैदान का रास्ता नहीं दिखाते हैं, इसलिए उनको खेल का चस्का नहीं लगा है और वो खेलने के बजाय वही खेल अब वो मोबाइल पर ढूंढने में लगे रहते हैं। आइए इसके समाधान पर बात करते हैं। आप मोबाइल छुड़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने घर पर बच्चों के सामने भी और खाली समय में किताबें पढ़ें, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम नज़र आती है। दूसरा तरीका यह है कि उनके हाथ में मोबाइल की जगह कोई दूसरा गेम दे दें। मेरे पास भी एक खिलौना है, आपको दिखाता हूँ। यह 6 अलग अलग रंगों वाला एक 6 फलक का वर्क है। इसके अंदर से आपके बच्चे मोबाइल की स्क्रीन से दूर हो सकते हैं। ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है और इसको आप भी सीख सकते हैं। मैं जब तक इसको समझ नहीं पाया, मैं इसको माथापच्ची बोलता था। माथापच्ची जैसा ही है, एक बार अगर ये बिगड़ गया तो फिर जल्दी से बनेगा नहीं, अगर आपको इसका सही तरीका नहीं मालूम है तो। इसकी संरचना के बारे में बताता हूँ कि इसके जो सबसे बीच वाले है फलक, बीच वाले भाग है, ये अपनी जगह नियत रहता है। ये इधर उधर घूम जाएगा, इधर उधर घूम जाएगा, लेकिन इस साइड से दूसरी दिशा में नहीं जाएगा। इसको आराम से समझ में आए और आप पूरी तरीके से सीख सकें, इसको कहीं भागों में बताऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आप बच्चों को ये ला के दें और देखिए, ये आप अगर आपको लगता है कि ये बिगड़ जाता तो बिगड़ बन नहीं सकता, तो भी आपको करके दिखाता हूँ, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको सब किसी 3 भागों में बनाए। सबसे पहले कोई सा भी एक रंग लेके और उसको मिलाना होता है। जैसे अभी ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बिगड़ गया है। अब देखो, मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, देखते हैं कितना समय लगता है। अगर इसको मिला खेलना या आप इसको सीखना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मैं भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन अब मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के आसपास के समय में इसको पूरा सही मिला लेता हूँ। सबसे पहले ये प्लस का निशान बनाना है। ये पहली लाइन तैयार हो गई है। आप मानेंगे नहीं, बच्चे इसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैंने घर पे अपने बच्चों को सिखाया, थोड़े दिनों में एक्सपर्ट हो गए। अभी मिला लेते हैं इसको आराम से, और अगर एक बार ये हाथ उनके हाथ में दे दिया तो वो इसके जब तक इसको पूरा सीख नहीं लेंगे, अपने आप पे इसके स्वतः इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये 2 लाइन हो गई, एक साइड बची है।
ऊपर का भी काफी हद तक तैयार हो गया। अभी केवल ये ऊपर का कलर मैच हो गया, साइड के मैच करवाने बाकी है। तो ये खिलौना बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। उम्मीद है आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और आपको इसको बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे और रचनात्मक कार्य करने में उनका मन और ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।